नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस लाइफ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट वैकेंसी 2023 के बारे में, जिसमें जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम की पोस्ट निकली हुई है, जिसमें कुल टोटल पोस्ट है आपके 41,000, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। जीडीएस बीपीएम एबीपीएम पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है मान्यता होनी चाहिए, यानी 10th लेवल पर इसका सिलेक्शन होता है। अगर जब आप 10th पास हैं और 18 साल आपकी मिनिमम उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम उम्र आपकी 40 साल होनी चाहिए। और जो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है, यानी आज ही की डेट से स्टार्ट हुआ है, और 16 फरवरी 2023 तक इसका डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का रहेगा। उसके बीच में आपको अप्लाई कर देना बेहतर होगा। आप शुरू में ही अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते साइट की स्पीड स्लो हो जाती है और आपको रजिस्ट्रेशन करने में या अप्लाई करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी एक जीडीएस एबीपी हूं। मेरा सिलेक्शन जीडीएस भर्ती 2020 में हुआ था। तो जीडीएस की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो में हम आप देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। जीडीएस बीपीएम एबीपीएम वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, तो फिर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। ये देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इसमें आपको सारी बेसिक डिटेल अपनी फिल करनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इसमें क्या क्या आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको फिल करना है मोबाइल नंबर, यानी 10 अंकों को जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको अपना ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद आपको अपना इसमें नाम लिखना है, जो भी आपके 10th में मार्कशीट पर जो आपका नाम है उसी नाम से आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आपका फादर या मदर दोनों में से किसी एक का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको अपनी DOB देनी है। DOB देने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, यानी आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं। उसके बाद सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी किस जगह से या किस बोर्ड से आपने जो है सेकेंडरी स्कूल पास किया है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यानी किस सन में आपने या किस ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद इस पोर्शन में आपको ये कैप्चा जो है फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नीचे आके यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन वाला पूरा पेज जो है फिल कर दिया। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने वैलिडेट का ऑप्शन आएगा। वैलिडेट करने के बाद आपके पास OTP जाएगी। OTP आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर का दोनों OTP मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ऐसा आ गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर आके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन पेज सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आप इसे सारी डिटेल आपने फिल की है वो यहाँ पे दिया है। इसके बाद आपको नीचे भी कुछ डिटेल आपको फिल करनी है, तो मैं अभी आपको पेज को नीचे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिसेबिलिटीज़ सेलेक्ट करना है। अगर आप डिसेबल हैं तो यस, नहीं डिसेबल हैं तो नो कर देना है। आप जब यस करेंगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा। उसके बाद सेलेक्ट PWD सब कैटेगरी, अगर जो PWD सब कैटेगरी है तो आपको फिल करना, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज पे सेलेक्ट करना है, यानी किस लैंग्वेज से आपने पढ़ाई की है। तो यहाँ पे बंगाली है, बोडो है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मलयालम है। तो इतने सारे लैंग्वेज हैं, आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है वेदर एम्प्लॉयड। अगर जो आपके पास जॉब है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी फोल्डर में फोटो जो रखे होंगे वहाँ से फोटो लेके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फोटो की जिस साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमेंशन भी दिया है, यहाँ पे साइज़ दिया, यानी 50 KB तक फोटो हो सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। इसके बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर जो है अपलोड कर देना है। सिग्नेचर का जो है साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और ये पिक्सल दिया हुआ है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आके नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। चलिए सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। आप इसमें देख लीजिए कि आपने क्या क्या डिटेल इसमें सही भरा है या गलत भरा है। तो यहाँ से आपके अगर कोई डिटेल आपने गलत भी फिल कर दिया तो आप उसको सही कर लेंगे। सही करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है।
सबमिट करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर बताने के बाद यहाँ पे नीचे दिया गया कंटिन्यू टू अप्लाई, यानी आपको अप्लाई करने के लिए आगे कंटिन्यू, यहाँ से आपको कंटिन्यू टू अप्लाई कर देना है इसके, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपको नोट करके रख लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ऐसा खुल के आ जाएगा। इसमें आपको दिया हुआ है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो हमने हाइड कर दिया। इसके बाद नीचे लिया सर्किल अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे आपको आके अपना सर्किल सेलेक्ट कर लेना है जिस सर्किल से आपने अप्लाई किया, यानी जिस राज्य से आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आके नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, इस पर आपका देखिए सर्किल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपको OTP इंटर करने के लिए दिया है। फिर यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फिर एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, इसमें आपको जो है एड्रेस देना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है और इस साइड में भी आपको सेम एड्रेस है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको कन्वेंशन एड्रेस है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, दोनों सेम ही होता है वैसे। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना, नीचे आ जाने पर अपना यहाँ पे बोर्ड आपको सिलेक्ट कर देना है, यानी किस बोर्ड से आपने किया है, रिजल्ट टाइप आपका क्या है, यानी मार्क वाला है या ग्रेड वाला है, जो भी वो आपका ये देखिए सिलेक्ट, यहाँ पर आपको रिजल्ट टाइप करना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने बोर्ड जो है सेलेक्ट कर दिया CBSE, और इसके बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट रिजल्ट है तो यहाँ पे आ रहा है मार्क्स, ग्रेड्स और पॉइंट्स। तो आप अगर जो आपका मार्क्स है तो आप मार्क कर देंगे, ग्रेड है तो ग्रेड, यहाँ पे देखिए ग्रेड है तो हमने ग्रेड ग्रेड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ग्रेड करने के बाद फिर यहाँ पर पूछ रहा है ग्रेड कौन कौन सा है, यानी कौन किस किस सब्जेक्ट में आपका क्या क्या ग्रेड है, उस हिसाब से आपको अपना ग्रेड फिल कर देना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट दिया हुआ है, यह है इंग्लिश है, लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, और इधर यहाँ पे राइट साइड में आपको ग्रेड दिया हुआ है, यानी कितना कितना ग्रेड आपने गेन किया है। फिर यहाँ से दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों इस पेज पे आके आपको अपना डिवीजन जो है सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप डिवीजन अपना सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने नीचे जो है पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, और इस हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे देंगे, यानी किस जगह पर आपको अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पर GDC EVPM की भी पोस्ट दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये इसका जो बेसिक TRC है, और ये GDC BPM की जो पोस्ट है उस पर दिखा रहा है 12,000, यानी GDC ABPM को जो स्टार्टिंग सैलरी होती है बेसिक पे उसका होता है 10,000, और BPM के लिए बेसिक पेमेंट होता है 12,000। इस तरह आपको अपना जो है पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है, यानी किस जगह पर आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से। देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट हो गया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ पे टू फी कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब हमको फ़ी पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे सिंपल ओके करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपके पास तमाम ऑप्शन हैं, आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। पेमेंट के मामले में बता दूं दोस्तों कि आपको कार्ड पेमेंट ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, UPI पेमेंट में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, इसलिए जब भी करें आप तो कार्ड पेमेंट ही करें। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपका जो है ऐसा एक इन पेज खुल के आ जाएगा। देखिए इसमें आपकी सारी डिटेल हैं, फ़ोटो हैं और एड्रेस डिटेल हैं, मार्क्स हैं, कैसे कैसे आपने अप्लाई किया, क्या क्या आपने डिटेल दी है, सारा चीज़ है इसमें। इसके बाद नीचे जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने किस किस पोस्ट को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने पांच पोस्ट को सेलेक्ट किया है, यानी पांच जगह हमने अप्लाई किया है। इसके बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, नीचे आपके पास सामने प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट करके अपने पास फॉर्म को जो है रख लीजिए। तो ये थी दोस्तों GDC BPM में VPM 2023 फॉर्म फिल करने की पूरी प्रक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और GDS से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।